हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। आज आपको हम कुलचा बनाने बता रहे हैं। ये कुलचा है जो काफी डाइजेस्टिंग है और इम्यूनिटी सिस्टम को काफी बढ़ाने वाला है। इसमें देखिए हम यूज कर रहे हैं आलू है, पनीर है, गाजर है, रोस्टेड धनिया है, हरी मिर्च है, अदरक है और जीरा और काली मिर्च का रोस्टेड पाउडर है, कसूरी मेथी है, प्याज है और ये मैदा है। इसमें 50% आटा है और 50% मैदा है। ये अमूल वाटर है, चीनी का पाउडर है और नमक है और बेकिंग पाउडर है। यहाँ बेकिंग पाउडर यूज करना है, खाने का सोडा यूज नहीं करना है, बेकिंग पाउडर यूज करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम आटा लगाएंगे। आटा बिल्कुल गीला लगाना है। इसमें पानी डालेंगे और इसको आटा को लगाएंगे। इसमें पानी डाल दिए हैं, अब ये बेकिंग पाउडर डालेंगे। इतना बेकिंग पाउडर डालना है, इतना बेकिंग पाउडर डाल दिए, हाफ चम्मच से भी कम था। और फिर नमक डालना है हल्का। इतना नमक डाल दिए और हल्का चीनी का पाउडर डालना है। चीनी का पाउडर इतना हम डाल दिए और इसके बाद इसमें बटर डालेंगे। टेस्ट ऑफ इंडिया, ये अमूल बटर। अमूल बटर यहाँ जितना डाला जाएगा उतना अच्छा होगा। यहाँ हम आपको 1 चम्मच अमूल बटर डाल दिए हैं। अमूल बटर अभी इसमें बहुत यूज होगा। अभी ये फर्स्ट टाइम इतना डाल देते हैं और सारा को मिलाते हैं। हाँ, ये अब एकदम बिल्कुल गीला आटा लगा लिया है। देखिए ये एकदम बिल्कुल चिपचिपा है। बिल्कुल का मतलब बिल्कुल चिपचिपा है। देखिए ये बिल्कुल चिपचिपा है, एकदम गीला है। अब इसको इस तरह से करके और इसको ढककर कम से कम 2 घंटा के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। अब ये 2 घंटा आराम करेगा, इसको अब ढककर रख देंगे। अब हम आलू बनाते हैं। ये आलू हम ले लिए हैं। ये आलू को 4 घंटा पहले बॉयल कर ठंडा होने के लिए रख दिया गया था। तुरंत आलू को बॉयल करके अब नहीं बनाना है। आलू को बॉयल करके कम से कम 4-5 घंटे ठंडे होने दें, तब ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें आलू डाल दिए, उसके बाद थोड़ा पनीर डाल देते हैं। इतना पनीर डाल दिए हैं इसमें और ये महीन कटा हुआ थोड़ा सा गाजर डाल दिए हैं। ये थोड़ा गाजर डाल दिए हैं और ये धनिया, रोस्टेड धनिया है जिसको कि छील कर बनाया गया है। ये पूरा महीन नहीं पीसा गया है, ये टुकड़ा टुकड़ा है। ये रोस्टेड धनिया है, इसको डाल दिया गया है। ये कसूरी मेथी है, अदरक है, हरी मिर्च है और ये रोस्टेड काली मिर्च और जीरा का पाउडर है, इसको डाल देते हैं। ये सारे को डाल दिए और ये कटी हुई प्याज है, ये कटी हुई प्याज है और इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा लवण भास्कर चूर्ण। ये लवण भास्कर चूर्ण से अलग टेस्ट आता है। ये थोड़ा सा लवण भास्कर चूर्ण डाल दिए और थोड़ा धनिया पत्ता डाल दिए। ज़्यादा धनिया पत्ता नहीं डालना है, बस इतना सा डालना है। इतना सा धनिया पत्ता डाल दिए। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डालते हैं। नमक ज़्यादा नहीं डालना है, हम आटा लगाए हैं उसमें भी नमक डाले हैं। इतना करीब नमक डाल देते हैं। इतना नमक डाल दिए, स्वादानुसार इसमें नमक डाल दिया गया और इसमें हाफ नींबू का रस निचोड़ कर डाल दिया जाएगा। हाफ नींबू का रस डाल दिया गया, ज़्यादा नींबू नहीं डालना है नहीं तो खट्टापन आ जाएगा। हाफ नींबू डाल दिया गया। अब ये सारे को अच्छी तरह से मिला लिया जाएगा। ये सारे को मिला लें। अब इसमें 1 चम्मच मैदा डालेंगे। मैदा डालना काफ़ी ज़रूरी है। जब इसको हम पकाएंगे तो मैदा रहेगा तो अच्छी तरह पकड़ेगा।
इसके जगह आप आटे का यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रहेगा मैदा का ही यूज करें। मैदा का यूज करने से रिजल्ट अच्छा मिलेगा। एक चम्मच इसमें मैदा डालें हम और इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। और इसमें जो पनीर का यूज किया गया था, जो घर में तैयार पनीर था, घर में पनीर तैयार कैसे करें ये हमारे YouTube चैनल में है। हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे। अब हम आटा तैयार करते हैं। आटा ये पूरी तरह तैयार नहीं किया गया था, इसका अभी और प्रोसेसिंग बाकी है। ये आटे को एक परात में निकाल लेते हैं, इसको अच्छी तरह ये परात में निकाल लेते हैं। देखिए ये लसलसा काफ़ी हो गया है, ये लसलसा होगा जितना उतना अच्छा बनेगा। इसको तैयार करने के लिए अब इसमें मैदा भी मिलाएंगे हल्का सा, ये ताकि ये तैयार होगा। इसमें एक चम्मच ऐसे मैदा डालेंगे और इसमें बटर डालेंगे। इसमें कुलचा में बटर का यूज ज़्यादा होता है, इसमें जितना बटर डालेंगे उतना अच्छा बनेगा। ये एक चम्मच इसमें टेस्ट ऑफ इंडिया यानी अमूल बटर डाल दिए। अब इसको अच्छी तरह लगा देंगे और इसको मोड़े फोल्ड करेंगे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके इसमें ऐसे दबा लेंगे। अभी इसमें फिर से एक बार मैदा डालेंगे, हल्का हल्का मैदा डालेंगे ऐसे, इस तरह से मैदा डालें, मैदा लगा दिए। अब इसमें फिर टेस्ट ऑफ इंडिया यानी अमूल बटर एक चम्मच और डालें। इसमें बटर है उसको मुलायम कर लिया गया है, देखिए ये बटर है जो बिल्कुल मुलायम कर लिया गया है। कड़ा बटर रहेगा तो आपको अच्छी तरह लगेगा नहीं। इसमें पूरे में लगा दिए इस तरह से पूरे में लगा दिए। इस बटर लगाने से है कि जब भी आप कुलचा खाएंगे तो परत दर परत रहेगा, अगर बटर नहीं लगाएंगे तो परत दर परत नहीं होगा। अब फिर इस तरह से इसको मिला लीजिए, देखिए ये काफी क्रीमी बन गया है। अब फिर एक बार तीसरी बार इसमें मैदा का छिड़काव करेंगे, इस तरह से मैदा का छिड़काव किए, मैदा का छिड़काव कर लिए इस तरह से, और इसमें फिर टेस्ट ऑफ इंडिया यानी अमूल बटर डालेंगे। फिर से अमूल बटर डालेंगे इसमें और बटर इस तरह से इसमें लगा देंगे और लगा कर फिर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इधर से इधर और इधर से इधर इधर। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इससे लोई बनाएंगे। अब ये आठ कुलचे हम बनाने के लिए हमने लोई तैयार किया है। आप छोटा लोई तैयार करेंगे ज़्यादा बनेगा, बड़ा लोई तैयार करेंगे और कम बनेगा, जितना आपको इच्छा है, जैसा बड़ा छोटा आपकी इच्छा पर है बना सकते हैं। आठ हमने बनाया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ देंगे ढककर, 10 मिनट तक रेस्ट करेगा ये। अब हम थोड़े से मैदा को छिड़क लेंगे, इसलिए कि आटा काफ़ी गीला है तो मैदा छिड़कना ज़रूरी है। ये मैदा छिड़क लिए और इसको इस तरह से दबा कर बड़ा करेंगे, इस तरह से बड़ा करेंगे लोइया को। और इसमें हम जो तैयार किए हैं मसाला, ये मसाला तैयार, मसाला एक चम्मच डालेंगे, एक चम्मच ये मसाला तैयार मसाला डाल देंगे। आप ज़्यादा मसाला चाहते हैं ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम चाहते हैं कम भी मसाला डाल सकते हैं। हम यहाँ इतना मसाला डाल दिए, इसमें ये मसाला डाल दिए हैं। अब इसको चारों तरफ से पैक करेंगे, जैसे आलू पराठा बनाते हैं
तो पैक करते हैं उसी तरह, इसे चारों तरफ से इस तरह से पैक कर लिए, इस तरह से सील कर दिए। अब इसमें इस तरह ऐसे सील कर दिए, इसमें बेलने चकले का जरूरत नहीं है, थोड़ा और मैदा देते हैं, मैदा देना पड़ता है बार बार इसलिए कि काफ़ी ये गीला आटा है। अब इसे उंगली से दबाएंगे, कुलचे में ये उंगली का दाग रहता है तो अच्छा माना जाता है, ये डिजाइन हो जाता है इस तरह से, ऐसे 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 दाग हो जाएगा, ऐसे 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 दाग हो गया ऐसे। अब इसमें हम हल्का धनिया पत्ती का छिड़काव कर देते हैं, मेथी पत्ता का भी छिड़काव कर सकते हैं, इस तरह धनिया पत्ती का छिड़काव कर दिए, ऐसे ऐसे इसको बड़ा कर दिए। अब धनिया पत्ती का छिड़काव कर दिए, ये ऐसे, ये प्लेन नहीं होना चाहिए, ये गड्ढा गड्ढा रहेगा वो अच्छा दिखता है। और अब इसमें हल्का पानी लगा देते हैं, इसमें पानी लगा दिए, इसमें पानी हम लगा दिए। और तावे को अब हम हाई फ्लेम पर पहले गर्म करेंगे, और जिधर हम पानी लगाए हैं वो साइड का पोर्शन को इस पर अच्छी तरह से इसको टाल देंगे, थोड़ा ये मैदा का है ये टनाएगा, इसको ऐसे कर देंगे और इसको अब लो फ्लेम कर देंगे, और इस पर भी इस साइड से भी ऐसे उंगली का दाग बना देंगे इस तरह से, ऐसे 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 उंगली का दाग यहाँ बना देंगे, यहाँ उंगली का दाग इस तरह भी बन देंगे। अब ये इस साइड पे सेक गया है, अंदर साइड देखिए ये फूल गया है, जिससे स्पष्ट पता चल रहा है कि सेक गया। अब इसको फ्लेम को तेज करेंगे और इसको इस तरह से उलट देंगे, और उलट कर ऐसे इसको पकाएंगे, हल्का हल्का सेक कर पकाएंगे, इसको कम से कम 3 से 4 मिनट आपको हल्का हल्का सेक कर पकाना होगा, हाथ का पूरी तरह कसरत हो जाएगा, एक्सरसाइज हो जाएगा। और ये आपका जैसे जैसे पकेगा, घबरा कर पूरे हीट के नज़दीक नहीं लाना है, थोड़ा दूर ही रखना है ताकि ये धीरे धीरे पके, हल्का हल्का ये पके। देखिए ये पक रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है, देखिए ये चारों तरफ घुमा घुमा कर इसको पका लिया जाएगा, ये चारों तरफ इस तरह से देखिए इसका कलर चेंज होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है, इधर चेंज होते जा रहा है, अब इधर से ऐसे पका दिया जाएगा, इस तरह से पका दिया जाएगा। ये आपको दिखाने के चलते थोड़ा देखिए ये फूल गया, किस तरह से फूल गया, आपको फूला हुआ दिख रहा होगा स्पष्ट कि अब ये फूल गया, फूल गया यानी ये तैयार हो गया, फूली हुई कुलचा यानी कच्ची कुलचा नहीं है, इसका प्रमाण है। ये अपने आप देखिए फूल गया, आप कितना अच्छा कलर आया है, आपको दिखाने के चलते हमको थोड़ा ज्यादा ही एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। ये देखिए पूरी तरह खिल गया है, अब इधर देख लीजिए, इधर थोड़ा कच्चा रख गया, इधर भी सेक लीजिए, जिधर जिधर आपकी इच्छा है उधर उधर सेक लीजिए इसको घुमा कर, लेकिन कभी भी इसको नजदीक ले जाकर नहीं सेके, और लोहे का तवा का प्रयोग करें ताकि ये आपका अच्छी तरह पकड़ बनाए, चिकना तवा रहेगा तो वो पकड़ नहीं बनाएगा, इसलिए लोहे के तवा से ही ये कुलचा तैयार होगा। देखिए कितना सुंदर खिला है, देखिए अब ये कुलचा आपका कितना सुंदर खिला है। अब इसे निकालें, इसे अब हम निकाल लेंगे, इसमें हम ऊपर से टेस्ट ऑफ इंडिया डालते हैं, इसमें मक्खन तो डाला गया है लेकिन ऊपर मक्खन नहीं हो तब तक मजा नहीं आता है, ऊपर ऐसे मक्खन लगा दिए। अब ये मक्खन लगा दिए, आह क्या कलर आया, फैंटास्टिक कलर, ये कलर लगा दिए। अब इसको ऐसे गर्म है, इसको इस तरह से थोड़ा सा
तोड़ दिया जाता है ताकि आपको स्ट्रीट फूड में जैसे देता है कुलचा उस तरह का तैयार हो गया। देखिए इस तरह से तैयार हो गया, आह क्या मजेदार कुलचा है। अब इसको खाइए और बताइए हमको क्या हुआ। पूरी तरह खाने के लिए तैयार है, इसे पनीर चिल्ली के साथ खाएं। पनीर चिल्ली पनीर मसाला बनाने का भी वीडियो हमारे YouTube पर उपलब्ध है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे, और इसे खाकर हमें बताएं कैसा लगा। देखिए ये कितना अच्छा तैयार हो गया है, ये गर्मा गर्म। इसमें फिर से लगा देते हैं, ये दूसरा पीस है, इसमें मक्खन ऊपर से लगा दीजिए। मक्खन लगा दिए हल्का, और इसको इस तरह से कर दीजिए। ये कुलचा में देखने वाली बात है कि दोनों साइड पकना चाहिए अच्छी तरह। ये साइड देखिए फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। बैक साइड भी देखिए कितना अच्छा से उखड़ गया है। ये जब भी बनाएंगे तो उसमें पानी लगाकर चपकाएंगे और स्लो आंच, पहले हीट तेज रखेंगे फिर स्लो कर देंगे। अचानक तेज हीट रहेगा तो फिर चपक जाएगा। और ये देखिए दोनों साइड चपका नहीं है, इधर बैक साइड ऐसा है, बैक साइड इस तरह का है और ये फ्रंट साइड है, कितना सुंदर दिख रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि हर अपडेट आपको मिलते रहे, और इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपका कुलचा कैसा बना।